हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और मेरे प्यार मापुच को प्यार भरी धन निरंकार। और सुनाइए आप लोग कैसे हो। आई होप आप बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए डेर। और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। मैंने दूध वाली पतीली थी, इसमें दूध का पैकेट गर्म किया था अभी दही जमाने के लिए, तो इसी में ही मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। रमन के लिए उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया, उसकी क्लास लग रही है, तो अभी आधे घंटे की ब्रेक थी। ऐसे तो 15 मिनट की होती है जो ये अब पीरियड जो लगा है, उसके बाद आधे घंटे की होती है 11:30 बजे तक। 11:15 इनकी क्लास शुरू होती है अटेंडेंस की, और फिर उसके बाद 15 मिनट की फिर ब्रेक होती है। तो अभी 11:15 हो रहे हैं, तो बस फिर आज मैं रमन के लिए फुल्का ही बनाऊंगी, कोई पनीर की परौंठी कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसको कोल्ड और कफ हो रहा है। तो बस फिर उसके लिए चाय मैंने रख दिया और यहाँ तवा भी रख दिया है, तो बस मैं लगी हूँ रोटी बनाने। तो मिलती हूँ मैं भी। और यहाँ पर हमारी चाय हो चुकी है डियर। थोड़ी सी तो चाय थी, 2 कप रमन और मेरे लिए। और यहाँ पर रोटी भी हो रही है और आलू बड़ियों की सब्जी थी, रात बनाई थी। तो बस फिर मैं अब रमन को देती हूँ। और ये हमारा फुल्का हो गया है तैयार। बस मैंने फुल्के ही बनाए, मैंने आपको बताया कि रमन थोड़ा ठीक नहीं है तो उसको फुल्का ही दूंगी मैं, परौंठी नहीं दूंगी आज। तो चाय भी हो रही है और ये लगी है रमन की प्लेट डियर। रमन को बढ़िया ही ज्यादा पसंद है, आलू वगैरह वो नहीं खाता है। और तो मैं देती हूँ रमन को ब्रेकफास्ट, और आपको पता है मैं तो क्या लेती हूँ। और डियर आज भी वेदर खराब है, कल बहुत बारिश हुई थी और अभी भी मौसम बादल हो रखा है, और देखते हैं पानी बारिश होती है कि नहीं होती है। तो ठीक है, मैं देती हूँ रमन को ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ जी फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए, खा लीजिए टिक्की चाट। मैं खा रही थी टिक्की चाट और मम्मी ने लिया था बर्गर, और रमन ने भी बर्गर लिया था, और इन्होंने भी बर्गर ही लिया था। सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, मैंने आपको बताया था, उन्होंने भी बर्गर लिया था। और दक्ष ने पापड़ी ली थी, तो और मेरी टिक्की में कुछ मिसिंग था, वो था अनियन। मेरे को लग रहा था कि कुछ अधूरा अधूरा है, तो जब मैंने खाया तो फिर मेरे को लगा हाँ इसमें अनियन नहीं है। तो फिर रमन जो है बर्गर के बीच में जो अनियन होता है वो निकाल देता, तो उसने मेरे टिक्की में डाल दिया था, मम्मा आप ले लो, बाकी उसने सब में डाल दिया था, बस इसी में डालना भूल गया था वो। और ये टिक्की बहुत ही यम्मी होती है, मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाए भी थे वो भैया टिक्की वाले, जब वो जा रहे थे रेडी लेकर। वो तकरीबन हमारे यहाँ दिन में 2 बार आते हैं, एक बारी वो 2:30 बजे आते हैं, और उसके बाद वो 4:15 के बीच में आते हैं। तो ये वही टाइम था 4:15 का जब हमने टिक्की ली थी, क्योंकि हमने दोपहर में लंच नहीं किया था, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ही लेट किया था, तो फिर आपको पता ही है उस वक्त भूख लग जाती है। तो और बाकी सारा दिन आज ऐसे ही निकल गया। आज मैं बनाऊंगी मूंग मसूर की दाल, जो कि आगे आपसे मैंने शेयर की है रेसिपी। तो ठीक है डियर, मिलती हूँ अभी। हाँ जी फ्रेंड्स, मैं आई हूँ यहाँ किचन में और मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल। आज हल्का खाना, जो दाल बहुत ही लाइट होती है और किसी किसी को ये बहुत पसंद होती है, और किसी किसी के लिए ये मरीजों का खाना होती है। तो मैं बना रही हूँ तड़का, दाल मेरी उबल चुकी है तो तेल थोड़ा मेरा हो चुका है, इसमें डालूंगी मैं हींग, जीरा, और ये मैंने काट के रखा हुआ है लहसुन, कड़ी पत्ता, प्याज और ये हरी मिर्च। तो इसमें मैं डालूंगी लहसुन, और दाल यहाँ पर मैंने डियर उबाल ली थी। इस दाल के लिए एक ही सीटी बहुत होती है, एक सीटी भी पूरी नहीं बजानी चाहिए, थोड़ी सी ही, जब वो गैस की सीटी करने लगे तो हमें खोल देना चाहिए, नहीं तो ये दाल घुल जाती है और कड़ी बन जाती है। और ये रमन के पापा को बहुत पसंद है मूंग मसूर की दाल। रमन को पीली दाल नहीं पसंद है, उसे काली दाल ही पसंद आती है हमेशा।
पर खा लेते हैं अगर खिलाओ तो, ऐसा नहीं कि खाता नहीं है, बट उसे पीलीदार पसंद नहीं है। और यहाँ तड़का भून रहा है फ्रेंड्स, मैंने दाल को उबालते समय ही इसमें हल्दी और नमक डाल दिया था, मिर्च मैं नहीं डालती हूँ साथ में, क्योंकि फिर जब हम सिटी बसती है तो फिर मिर्च का जो धुआं सा उठता है और फिर वो धसका सा लगता है, इसलिए मैं दाल को उबालते हुए उसमें लाल मिर्च नहीं डालती हूँ। और इसमें मुझे पीसा मसाला पसंद नहीं है, मैं काट कर ही डालती हूँ। और ये मेरी मदरीना को दाल नहीं पसंद है, क्योंकि उनको ही मरीजों का खाना लगता है और उनकी तरह औरों को भी लगता होगा मुझे पता है, पर ये मुझे अच्छी लगती है। हरी मिर्च तड़के में डाली तो उससे थोड़ी सी खांसी आ रही है डियर। और इसके साथ अगर आप हरी मिर्च है उसको चीरा लगाकर वैसे भी भून लो तवे पर और नमक डालकर उस रोटी इसके साथ खाओ, रोटी के साथ, तो वो भी अच्छी लगती है दाल के साथ। दाल के साथ कोई भी अचार अच्छा लगता है डियर। और यहाँ पर मैंने एक टमाटर काटा हुआ है, इसमें मैंने लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि दाल में थोड़ा नमक कम था, और अभी ये मैं डाल दूँगी तड़के में। थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी इसमें। और ये मम्मी को तो पसंद नहीं है, मम्मी खा लेते हैं ऐसी बात नहीं है, पर मम्मी को ये डालो, मम्मी इसको मरीजों का खाना बोलते हैं। और वैसे घिया भी बना पड़ा है रस मिसा, तो जो खाना होगा मम्मी वो खा लेंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। टमाटर सॉफ्ट हो गए अच्छे से। और ये धनिया मैंने काट के रखा है, मूंग मसूर की दाल धनिया के बिना तो अधूरी है डियर। और किस किस को मरीजों का खाना लगता है मुझे ये भी बताना, और किस किस की फेवरेट है ये भी बताना। इस दाल के साथ मक्की की रोटी भी मुझे बहुत टेस्टी लगती है डियर, घी लगाई हुई मक्की की रोटी इस दाल के साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट अभी मैं मक्की की नहीं बनाऊंगी। मक्की की हमने कल बनाई थी, मैंने कहा था सिस्टर बनाई हुई आपको, तो हमने कल सिस्टर बनाए चने की दाल और पालक का साग बनाया था, तो उसके साथ मक्की की रोटी बनाई थी। तो आज मैं आऊँगी और यहाँ पर तड़का हो चुका है, अब मैं डालूँगी इसमें दाल। डियर ये दाल में डैडी का बहुत पसंद थी, वो हमेशा कहते थे तड़का ऐसे लगाओ कि टमाटर उसमें खड़ा बिल्कुल भी ना दिखे। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, साल हो गया हमें, पिछले साल अप्रैल में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे कोविड की वजह, उनको समझा था बट उनको कोरोना नहीं हुआ था, हॉस्पिटल वालों ने उनको एडमिट नहीं किया था कि शायद इनको कोविड है, बट इनको अस्थमा था डियर, तो वो हॉस्पिटल की लापरवाही से उन्होंने एडमिट नहीं किया था, तो मेरे फादर बस ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था और फिर उनकी डेथ हो गई थी। और यहाँ मैंने दाल डाल दी है, थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि दाल थोड़ी खड़ी है, घुल जाएगी, थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी। और डियर यहाँ दाल में आपको थोड़ा झाग दिख रहा है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा जब ये बॉयल हो जाएगी, तो ये झाग भी है जो अपने आप दाल में ठीक हो जाएगा। डियर यहाँ हमारी मूंग मसूर की दाल को उबाला आ चुका है, आप देख सकते हो, और इसमें पहले ज़्यादा झाग थी, जब भी हम मूंग मसूर की दाल को बॉयल करते हैं तो उसमें झाग आ ही जाता है और बाद में वो अपने आप ठीक भी हो जाता है, और कुछ लोग शायद इसको निकाल भी देते होंगे झाग को, पर मैं उसको नहीं निकालती हूँ, मैं ऐसे ही बॉयल करती हूँ। जैसे कि आप देख ही रहे हो उबाली आने पर वो झाग थोड़ी कम हो गया और बाद में वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी, मैं आपको वो भी दिखाऊँगी जब मैं दाल को निकाल कर रखूँगी अच्छे से हो जाएगी। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया जो कि मैंने पहले ही काट कर रख लिया था, और कि जो मूंग मसूर की दाल है वो धनिया के बिना अधूरी है।
साथ ही मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी इस पतीले में। और फ्रेंड्स ये दाल मैंने कर दी है शिफ्ट इस पतीले में, आप देख सकते हो। और कढ़ाई धो दी है, जैसे कि मेरे को हमेशा होता है जल्दी जल्दी मैं धो धो कर दूं। और फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो झाग नहीं है दाल में बिल्कुल भी, जैसे आपको फर्स्ट टाइम दिख रही थी कढ़ाई में जब मैंने तड़के में डाली थी, और अब आप देख सकते हो बिल्कुल भी झाग नहीं है। और साथ में यहाँ रोटी बनाऊंगी, तवा मैंने रख दिया बाहर, बहुत बादल आ गए हैं घने घने, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आपको शायद इतना नहीं दिख रहा है, बाहर बादल आ गए हैं डियर। तो ठीक है मैं जल्दी रोटी बना लेती हूँ और आपसे मिलती थोड़ी देर में। फ्रेंड्स ये लग चुकी है हमारी यम्मी सी थाली, सिंपल बट यम्मी। और दाल करारी बनी थी, और ये घी की सब्जी है, ये खीरा है, और ये अनियन है। आप देख रहे होंगे खीरा ज़्यादा है, अनियन भी। मेरे को सैलड बहुत पसंद है, और ख़ास करके खीरा प्याज मुझे बहुत पसंद है। और तो ठीक है डियर, मैं मिलती हूँ आपको एक और नए दिन एक और नई वीडियो के साथ, क्योंकि अब हो गया डिनर टाइम। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, और मेरे प्यार मापुशों को प्यार भरी धन निरंकार। हंसते रहो, बसते रहो, सदा खुश रहो, अपना ध्यान रखो, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखो, क्योंकि घर में बुजुर्ग हैं तो रौनक है। तो ठीक है जी, धन निरंकार।